नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DCR पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप जो है एक प्राइवेसी एक कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हैं अपनी ब्लॉगर पे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कहूँ तो ब्लॉगर पे कॉन्टैक्टर्स का पेज आपको मिलता नहीं है, होता भी तो वो खाली एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसलेट बॉक्स, ऐसा सा एक एक्सटेंशन होता है जो कि किसी काम का नहीं है। वो बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है पेज वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप जो है कॉन्टैक्टर्स का पेज बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्टर्स का एक पेज बनाया है। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एक साइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है 123 कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। अगर आपके पास यहाँ पर आप जाके साइन अप कर लें, मैंने साइन अप कर रखा है, तो मैं आप खाली लॉग इन करूँगा और उसके बाद बताऊँगा आपको करना है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद मैं न्यू फॉर्म्स में जाऊंगा और न्यू फॉर्म्स पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे किस तरह का कॉन्टैक्ट उसका जो फॉर्म चाहिए। मैं ज़्यादातर इसे मैं आपको सिंपल ही यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ यूज़ दिस टेम्पलेट, इसे ही यूज़ करता हूँ मैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा आप चाहें वैसा आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं, तो जैसे चाहे आप इसे थोड़ा सा हटा भी सकते हैं, कुछ अगर आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अपनी मनपसंद बनाने का इसे पब्लिश फॉर्म्स में जाएं। पब्लिश फॉर्म पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म लिंक देना है, पर हमें ये चीज़ें उठानी है, हमें उठानी है ब्लॉगर की। तो ब्लॉगर पे जाएं और इसे जाकर इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, और उसके बाद कॉपी करने से कहीं सेव करने बाद ब्लॉगर पे जाएं, और ब्लॉगर में जाने के बाद पेजेस में होगा वहाँ जाएं और एक नया पेज क्रिएट करें, नया पेज क्रिएट करें। जैसे कि मैं आपको पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर जो भी अपना टाइटल देना चाहिए कॉन्टैक्टर्स लिखें। इसके बाद यहाँ पर HTML होगा, HTML पे जाएं और यहाँ पर अपना जो भी वो टेक्स है जो भी आपने सेव किया था उसे कॉपी करें और पेस्ट कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे सेव करना है और पब्लिश कर देना है। अब व्यू ब्लॉगर में जाएं, रुके दोस्तों एक मिनट, यहाँ जाएं और जो भी आपने पेजेस का है उसे लें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ मैंने इसे नाम नहीं दिया था, सेव करें। रिफ्रेश करें, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये मैंने पेज का जो भी टैग किया था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये सेव हो गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप कॉन्टैक्टर्स पेज बनाना सीख गए होंगे। कोई भी अगर आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।